नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टैबलू के बारे में। तो लास्ट जो हमारी टैबलू की वीडियो थी, उसमें आपने देखा था कि हम किस तरीके से कॉलम की सेट साइज और बाकी चीज़ों करते हैं। अब चलिए इसी में हम कंडीशंस एंड कैलकुलेशंस एंड इन चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा डेटा है जिसको हमने इम्पोर्ट कर रखा है और मैंने न्यू शीट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैं डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ। उसके बाद मान लीजिए कि हमारा जो ए है सैलरी है, सैलरी को मैंने यहाँ पे रख दिया रो में। सैलरी को हमने रो में रख दिया तो ये सैलरी की कल आ गई। अब इसमें हमें कई सारे कंडीशंस लगाने हैं कि मुझे इसमें जो वन इसमें 1 लाख से ऊपर की सैलरी है या 1 लाख से नीचे की सैलरी है या टारगेट से ऊपर अबव है, टारगेट से नीचे है, ऐसे कंडीशंस यहाँ पे सेट करने हैं। तो मैं हम डिपार्टमेंट पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट सेट्स सेट पे जाते हैं और यहाँ पे हम सेट का नाम दे देते हैं कि डिपार्टमेंट सेट। और कंडीशंस में अब कंडीशन बाय फॉर्मूला भी है एंड बाय फील्ड भी है, तो हम बाय फील्ड देते हैं और सैलरी इज ग्रेटर देन, और मैंने यहाँ पे दे दिया राइट, यहाँ पे राइट राइट सेक्टर 1000 और सैलरी का सम, और हमने यहाँ पे ओके कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे राइट यहाँ पे देखिए क्रिएट कैलकुलेटेड में हम सेट करते हैं। सेट में हम यहाँ पे देते हैं डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट लेस और यहाँ पे भी हम बाय फील्ड सैलरी और यहाँ पे हम लेस देन 5 करते हैं एंड ओके करते हैं। तो इसको करने के बाद यहाँ पे अप्लाई सेट्स आते हैं नीचे। यहाँ देखिए सेट्स का यहाँ पे डोमिनेशन है, यहाँ पे सेट्स है और मैंने क्या किया कि डिपार्टमेंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फिर हम यहाँ पे सेट को यहाँ रख देते हैं और इनको भी यहाँ रख देते हैं। नहीं, गड़बड़ हो गया, हम डिपार्टमेंट को एंड डिपार्टमेंट सिर्फ इस अकाउंटिंग ही है जो कि 5 से ऊपर है और बाकी जो है नीचे है। और इसको लेकर रखते हैं यहाँ पे इन एंड आउट आपको दिख रहा होगा, इन एंड आउट। अब इसको आप इन और आउट के जगह पे आप अपने हिसाब से शो करवा सकते हैं कि भाई इन एंड आउट के जगह पे क्या हो। यहाँ फिल्टर में ये जो है आपका गलती डिपार्टमेंट और हमने सैलरी को यहां पर रख दिया।
उसके बाद फिल्टर्स दिख रहा है आपको, फिल्टर्स, इस फिल्टर्स में हम यहाँ सेट को रखेंगे और इसमें यहाँ से सेट हो गया। अब इसमें हमने फिल्टर में सेट को रखा, तो इस सेट में क्या है कि जो भी ग्रेटर देन 5 लाख है वो यहाँ दिख गया, जो ग्रेटर देन 5 लाख है वहाँ दिख गया। तो इसमें हम जो है यहाँ से इस तरह से हम कंडीशन दे सकते हैं कि आपने फिल्टर अप्लाई किया तो कई कैलकुलेटर फिल्टर होता है, उस फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिल्टर में मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया इसको, तो इसमें हम एक बार में एक ही फिल्टर रख सकते हैं, दो फिल्टर को नहीं रख सकते, तो मुझे इस सेट को हटाना पड़ेगा। तो ये सारे कौन है, जो लेस देन 5 लाख। और यहाँ पे इन एंड आउट हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि इन आउट का मतलब होता है कि जो कंडीशंस में आते हैं वो, जो कंडीशन में आते नहीं वो, तो उसके केस में यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। शो इन एंड आउट क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ आपको इन एंड आउट दोनों देखना है कि सिर्फ आउट देखना है, इन देखना, ये चीज़ हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब मैं एक काम और करना चाहता हूँ कि हम इसको कलर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सैलरी पे जाएंगे और सैलरी पे जाने के बाद हम क्रिएट, और क्रिएट में हम यहाँ से कैलकुलेटेड फील्ड को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंडीशंस, यहाँ पे कैलकुलेशन नाम आ जाता है, तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे सैलरी कंडीशन सेट के नाम से, और यहाँ पे मैं इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा कि इफ, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। यहाँ पे हम ला देते हैं हाई, फिर यहाँ देते हैं एल्स, एल्स, और यहाँ पे दे देंगे हम लो, और फिर यहाँ हो जाएगा। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन एरर दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एरर जो है गलती यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे हमें देन देना होता है, बीवी के तो इसकी कोडिंग होती है देन, और यहाँ पे यहाँ पे एंटर मार के भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए दिस कैलकुलेशन इज वैलिड, कैलकुलेशन में एरर होगा तो अपने आप बता देगा, नहीं तो वैलिड कर देगा, देन ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेट कैल्स आ गया। अब मैं चाहता हूँ कलर्ड करना कि कंडीशंस में जो ग्रेटर देन 5 लाख है वो अलग कलर में हो और लेस देन 5,000 है वो अलग कलर में हो, तो हम सेट को उठा के इस कलर पे रख देते हैं। तो देखिए ये आपका डिफरेंट कलर, इसके ऊपर आपका डिफरेंट कलर आ जाता है, या फिर ये हम अलग अगर लेते हैं तो उसके हिसाब से हमारा कलर होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए तो हम अपना एक्सेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेट को यहाँ रख देता हूँ, हाँ एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि हम ऐसे छोटे छोटे चार्ट्स को बनाएंगे, अपने छोटे छोटे एनालिसिस को बनाएंगे, और उन एनालिसिस को हम एक डैशबोर्ड पर रखेंगे, इन सबको रख के, और फिर हम उसको अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो फिलहाल हम आपको क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे चार्ट्स बना के, इस तरह के एनालिसिस बना के, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन बनाना सिखा रहा हूँ, फिर हम कई सारे रिप्रेजेंटेशन बना बन जाएगा, देन हम आपको चार्ट्स बनाना सिखाएंगे। तो आज हमारी इस क्लास में आपने सीखा कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन
फिल्टर सेट करते हैं कि फिल्टर के बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुका था। फिल्टर के ऊपर उसमें हम मैनुअल कंडीशंस कैसे लगाते हैं वो भी हमने आपको बताया, और हमने बताया कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर नंबर पे कोई लॉजिक लगाना है वो हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बोलते हैं कैलकुलेटेड फील्ड कैसे करेंगे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगले वीडियोज में हम आपके साथ इसी तरह से कुछ और चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तब तो तक आप देखते रहिए हमारे ये चैनल को, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे पास चैनल पे एडवांस एक्सेल, वीवीए माइक्रो, एमएस एक्सेल डेटाबेस रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, और हम डीवीडी भी प्रोवाइड करते हैं। अब तो हमारी आप डीवीडी भी ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और ट्रेनिंग लेनी हो तो मुझे कॉल कीजिए।